ओम एस्ट्रो चैनल आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश महाजन। मेरी जिंदगी का एक ही पर्पस है कि मैं आपको ज्योतिष सरल तरीके से समझा सकूं और ज्योतिष के माध्यम से कुछ गाइडलाइंस दे सकूं। कृपया आप मेरी वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि मैं इसको सारी दुनिया तक पहुंचा सकूं। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जब बुध हमारे हॉरोस्कोप में 5वें भाव में होते हैं, ये कैसा प्रभाव देने वाले होते हैं। इसके लिए हमें 5वां घर और बुध के बारे में जानना होगा। बुध जो कि हमारी इंटेलिजेंसी है, जो हमें किसी भी फील्ड में पार्टिकुलर नॉलेज को इंडिकेट करता है। बुध का संबंध हमारी कम्युनिकेशन से है। कम्युनिकेशंस चाहे वो लिखित है चाहे वो वर्बल है, इन सब का संबंध बुध से है। बुध का संबंध हमारी स्पीच से है। बुध का संबंध हमारे ट्रेड बिजनेस से है। जब हम 5वें भाव की बात करते हैं, इसका संबंध क्रिएटिविटी से है। जितना भी हमारे अंदर क्रिएटिविटी हॉर्स है, इन सब का संबंध 5वें भाव से है। 5वें घर का संबंध सिनेमा, इंटरटेनमेंट, रिक्रिएशंस, लव, रोमांस, नॉलेज, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। ये उच्च शिक्षा जो हमें पुरानी शास्त्र, पुराण, पुरातत्व विभाग के नॉलेज, एंशियंट जितना भी कल्चर है, जिनकी नॉलेज 5वें भाव से होती है। 5वें भाव का सामान जुआ, लॉटरी, सट्टा, लव, रोमांस से भी है। 5वें भाव की जब हम बात करते हैं, 5वें भाव 5वीं राशि सिंह राशि को दर्शाता है। सिंह राशि का स्वामी सूरज है। सूरज और बुध आपस में परस्पर मित्र हैं, इसलिए बुध ग्रह जहां पर बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। अतः जिन जातकों का बुध अच्छी अवस्था में, कन्या राशि में, सब राशि में, जहां मित्र राशि में बैठा हुआ है, ऐसे जातक जन्म जात से ही गायक होते हैं। इनके लिए सिंगिंग लाइन बहुत ही लाभदायक है। ये बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, प्लेयर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, प्लेयर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं। इन जातकों को सिंगिंग, राइटिंग, डांसिंग, म्यूजिशियंस, कोई ना कोई आर्टिस्टिक की लाइन जरूर ही अडॉप्ट करनी चाहिए। ऐसे जातकों को इसमें 100% सफलता मिलेगी। 5वें भाव का संबंध लव और रोमांस से है। जब बुध अच्छी अवस्था में होता है तो ये जातक बहुत ही रोमांटिक किस्म के और मिलनसार होते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब बुध राहु के साथ होगा, बुध चंद्र के साथ होगा, बुध शुक्र के साथ होगा, ऐसे जातकों में प्यार की टेंडेंसी बहुत ही बढ़ जाएगी। ये जातक ओपोजिट सेक्स के साथ चैटिंग बैटिंग करते ही रहेंगे। ये अपनी सामाजिक मर्यादा को भी तोड़ देंगे। अतः मैं अपने वीडियो के माध्यम से फिर सभी को अनुरोध करता हूं, आप अपने ग्रहों को पढ़ना सीखें और उससे कुछ गाइडलाइंस लें। 5वें घर का संबंध जुआ, लॉटरी, सट्टा से है। जब 5वें घर में बहुत अच्छी अवस्था में होगा, आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार से फायदा कराएगा। लेकिन जुआ, लॉटरी, सट्टा किसी का नहीं होता। आप 100 बार जीतने के बाद भी 101 बार आप जरूर हारेंगे। अतः मैं सभी जातकों से अनुरोध करता हूं, बोर, लॉटरी, सट्टा, जुआ कभी मत लगाएं। 5वें भाव का संबंध हमारे हायर एजुकेशन से है। ऐसे जातक कोई बहुत बड़े
एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, पामिस्ट हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं, क्योंकि इनकी स्पीच दमदार होती है। जब हम पांचवें भाव की बात करते हैं, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट संतान, ऐसे जातकों में संतान की कमी रहती है, संतान देरी से होती है। बुध एक नपुंसक ग्रह है, लेकिन संतान इनके बहुत ही होनहार, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली, गवर्नमेंट जॉब को करने वाली, आप जब जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, बुध उनका पांचवें घर में है, उनकी संतान के लिए एजुकेशन एक वरदान है। आप उनको एजुकेशन के लिए इनकर्ज करें, आपके बच्चे कोई आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, कोई पीसीएस अधिकारी बन सकते हैं, कोई बहुत बढ़िया गजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। आप मेरी वीडियो के माध्यम से गाइडलाइंस लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।